मॉर्निंग फ्रेंड, आज हम देंगे बंस। ये टोटल 60 बंस हैं। तो फ्रेंड्स, अब आर्यन को छोड़ दिया गया है आगे की तरफ खुशी के साथ, और चिंकी को भेज दो हनी के साथ और चिंकी के साथ। इन तीन डॉग्स के साथ ये खेल लेगा। अभी जिमी इनके साथ खेल के अंदर रूम में बंद हुआ है मैगी के साथ, और जब ये खेल लेगा तब इसके बाद सबको छोड़ा जाएगा और इसे टाई किया जाएगा। सब वीडियो में हनी को देखते, कोई बता सकता है हनी कितने साल की है? जिन्हें पर्सनली हमारे बारे में पता है वो तो बता सकते हैं। ये आ गया डिम्बूड़ा। कितने साल की लगती है बताओ? डिम्बूड़ा ये जिम्मी की स्मेल और दूसरे डॉग की स्मेल ले रहा है। चिंकी को भेजना क्या वहां? चिंकी तो फिर इसको खिलवाएगी अभी। क्या ही चिंकी, और आते ही मस्तियां स्टार्ट। आर्यन के लिए ऐसी स्पीड वाली डॉग चाहिए, कोई फुर्तीली, फुर्ती से इधर उधर हो सके, तब ये पीछे इसकी भी एनर्जी खत्म हो सके, क्योंकि रॉड की एनर्जी भी खत्म करनी जरूरी। किसी भी डॉग को ट्रेन करने के बाद भी उनकी एनर्जी तो आपको खत्म करनी ही रहेगी। अगर अल्फा मेल्स या इस टाइप के हैवी डॉग्स रहते हैं तो आपको उनको एक्सरसाइज करानी जरूरी ही है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कराओगे तो अग्रेशन लेवल्स बढ़ेंगे, ये फैक्ट है। जो हैवी ब्रीड होते हैं इनको या तो लंबी वॉक चाहिए या आप इनको रनिंग करा सकते हो। कोई कोई बोलते हैं बाइक के पीछे ऐसे भगवाना सही नहीं रहता ये वो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपको ऐसी जो हैवी ब्रीड्स होती है ना, जो पावरफुल है और डेंजर है और जिनको थोड़ा गुस्सा वगैरह आता है, उनकी आपको बॉडी को थकाना ही चाहिए, क्योंकि आप उनको जो फूड देते हो वो फूड बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है। वो एनर्जी ये रिलीज नहीं कर पाते, इसलिए वो सिर के ऊपर चढ़ जाता है, फिर इन्हें पता ही नहीं रहता ये किससे क्या कर देते हैं, क्या कैसे हो जाती है इनकी लाइफ ख़राब। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है ओनर की तरह। तो ओनर हर एक हैवी और बल्कि ब्रीड को फुल एक्सरसाइज कराएं, बस वो चाहे तो रनिंग हो सकती है, वॉक हो सकती है, जंपिंग हो सकती है। हाँ, पर इनसे कोई खेचातानी वाली आइटम जैसे कुछ भी चीज़ मुंह में दबवा के खेचाना या किसी चीज़ पर भौंकवाना, इस टाइप के खेल नहीं खेलने चाहिए। उनसे भी डॉग में एग्रेशन बढ़ता है। कुछ कुछ गेम होते ही इसी लेवल के होते हैं जिनसे ये अपने एग्रेशन लेवल बढ़ा लेते हैं और हमें पता नहीं होता है, हम उस तरह इन्हें बड़ा करने में लग जाते हैं कि हाँ ये ऐसा करके खेल रहा है, अच्छी बात है। बचपन में जब होते हैं तो हम हर चीज़ पर कंट्रोल कर सकते हैं, और बड़े होने के बाद एक हद तक कर सकेंगे, और घर में सारे लोग वैसा नहीं कर सकेंगे जैसे वो एक बंदा कर सक रहा है, क्योंकि वो बड़ा हो चुका है और उसने अपने लेवल भी आप लोगों को शो कर चुका है। तो फ्रेंड्स, अब आर्यन को टाई कर दिया गया है। अन्नी कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है, उधर है, और सबको छोड़ना स्टार्ट करें। खुशी को आज बाहर रखा इस तरफ, चिंकी को अंदर की तरफ डाल दिया है क्योंकि वो सबको रोकेगी, और इन सब डॉग्स को उसी ने सिखाया ऐसा, कोई भी आया तो उसके ऊपर झपटना पड़कर, ये जो कर रही है ना ये इसके वजह से ही है ना। चलो ना ना, अन्ने चुप रहे, ये आ गया, ये आते इसके पास जाता, और ये अच्छी बात है क्योंकि कोई तो आर्यन के साथ खेलने वाला होना चाहिए। खुशी चलो उधर चलो, जुहीड़ा फिर उसके ऊपर भौंक रहा है, फिर वो देखो जुही को देखो, अभी इसको चिढ़ाने का ही काम कर रहा है। हाँ कोई नहीं, इसको ये क्या हुआ, इसको इसकी तबीयत सुस्त लग रही है, क्या हुआ इसको? ब्रूनो की तबीयत थोड़ी सुस्त लग रही है क्योंकि ये हमेशा भागते फिरते डॉगों में से है ना। ध्यान रख ना लारे भी, समझ गया।
इसको चलने में दिक्कत आ रही है। नहीं यार ठीक है, थोड़ा है, थोड़ा सा थोड़ा तो प्रॉब्लम है। ये देखो पाँव ऊपर ही कर दिया इसने। पाँव में खिंचाव आ रहा है क्या? क्या हुआ बाबू, क्या हुआ? ना ना, क्या हुआ? खिंचाव आ रहा है क्या सर्दियों में? ना ठीक है, हुआ ठीक? सर्दियों में खिंचाव आ रहा है, क्या हो रहा है? नो 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 नो, खड़क सिंह। अब तो ये खड़क सिंह बहुत ज्यादा सोच समझ के करने वाला डॉग में से, इसको इतना पता है कब आना है कब नहीं आना, ये सब अपने हिसाब से चलता है खड़क सिंह। खड़क सिंह को थोड़ा और समय लगेगा। विस्की रखी, टेंशन नहीं है रे, विस्की विनु नहीं लड़ेला, और विस्की हूँ डरे, आर्यन खुद विस्की हूँ डरे, थन्ने ध्यान रखना कि वो आर्यन यूं परेशान हो, पर उनकी नहीं बाइट नहीं कर ले। जुएड़ा फिर तू ऐसा करता है और तू बोलता है बाइट कर रहा है। जुई को डर लगता है अकीता से, ये पक्की बात है, ये 100%। देखो ये पास में आएगा, ये देखो ये जानबूझ के इसके साथ ऐसा करता है। इधर आ संबेर, नक्टपन की हद होती है नक्टपन की। ना ये देखो, दंडवत प्रणाम। आर्यन को इतनी एनर्जी है इनके साथ खेलने की, इतनी वो है, लेकिन डर के चक्कर में मैं भी नहीं खोल पा रहा हूँ उसे, क्योंकि वैसा डैमेज मैं अब दूसरी बार देखना नहीं चाहूँगा किसी भी दूसरे डॉग पर। ये हमेशा घूम घूम के फ्रेश करता है, किसी डॉग की आदत होती है घूम घूम के फ्रेश करना, कोई एक साथ करता है, ये चीज़ें नॉर्मल है। देखो ये को देखो, चिंकना अभी ये प्याले खत्म करेगा, इसको बांधना लैब्राडोर को, नहीं तो ये सब मुंह में इधर उधर मारेगा। चलो ए रुक जा, ला रहे तेरे, चुप हो, जल्दी जाया करो ना, स्पीड रखा करो उस समय। खाना खाओ, प्याले तो बहुत सारे जमा दे, इतने तो डॉग ही नहीं है। पहले ही समझदारी की तरह वहां रखना नहीं चाहिए तुझे प्याला, पहले ही समझदारी दिखानी चाहिए। पता है कि एक दो को तो अपन को बांधना पड़ेगा, क्योंकि वो अलग अलग प्याले में मुंह मारेंगे। खिला इसको भी, खिला, क्या कर रहा है? खाना खा, लो एक और प्यालो ले जाओ आर्यन वास्ते। ये चारों खा रहे हैं, यहाँ ये दोनों खा रहे हैं, वहाँ जुई खा रहा है, ये नहीं खा रहा है, और आर्यन दबा दब खा रहा है, आर्यन को पसंद है। ये ब्रूनो अभी तक फ्रेश ही हो रहा है। अरे बस हो गया, आ जा अब, ब्रूनो के बाहर ही छोड़ दो या तो। ब्रूनो की आज मुझे तबीयत थोड़ी सी डाउन लग रही है, क्योंकि चलने फिरने में तकलीफ आ रही है उसको, पता नहीं क्यों, बाद में चेक करते हैं। ब्रूनो के लिए बाहर ले जा, ध्यान रखना इसके, और डाल दे देख इसकी क्या, और लियो को थोड़ा सा दूर रख। अभी जुई ने फाइट कर ली ब्रूनो से खाने के लिए, मैंने अभी बीच में आपने देखा ना कैसे इसने एक तरफ इकट्ठा करके मारने का शुरू किया, अब इसे छुड़ाया तो पीछे क्या हुआ, विस्की और रियो फाइट करने लग गए थे, मैंने जाके विस्की को तब हटाया। अब ऐसे में सोचो अगर आर्यन खुला हो तो क्या हो, क्योंकि विस्की ने भी आर्यन को ऊपर से पकड़ा है, किसको खून आया, और वो देखो उसे थोड़ा जुई का दांत लग गया है, इसलिए इसे बांध के रखते हैं, क्योंकि अगर ये भी फाइट में शामिल हो गया तो इसे छुड़ाना भारी पड़ेगा ना, और डैमेज भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा इसको, क्या पता इसको, देखो टांग के प्रॉब्लम है इसको, अभी
सर्दी में इसकी टांग जम रही है या कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो रही है इसको। आज इसकी तबीयत भी सुस्त है, बुखार तो नहीं है, मैंने चेक करवाया था अभी। और उसको दवाई लगाओ, बहुत ज़्यादा लगी क्या उसको? उसके कान के ऊपर एक छोटा स्क्रैच आया है ब्रूनो के, टैबलेट लगाने दवाई दे के दे देंगे और साथ में क्रीम भी लगा दूंगा। और जो उसको वहाँ खड़ा किया है कि वापस जुई और उसकी फाइट ना हो जाए, और अब झगड़ने वाली बातें नहीं है। नहीं नहीं, अब दोस्ती ही कर रहा है, अब लड़ने है, वो खाने के चक्कर में लड़ लिया था रे। और विस्की उस तरफ है, ज़्यादा डैमेज नहीं आया, एक हल्का सा दांत लगा है जो कि ठीक हो जाएगा 2 दिन के अंदर ही। मैं CCTV ऐड करता पर अभी क्या है, 2 दिन से हमारे यहाँ नेट नहीं चल रहा है, पता नहीं किस कारणों से फाइबर बंद पड़ा है, तो CCTV का डाटा नहीं रिकवर कर पा रहा हूँ। आज की फाइट भी मैं CCTV में दिखाता एग्जैक्टली हुआ क्या, कैसे हुआ, और पीछे और जो अकीता जो विस्की है वो भी लड़ लिया था, इसके ऊपर आ गया था। स्टाफ का पूरा ध्यान उनके ऊपर था, और मैंने जैसे पलट के देखा तो देख रहा हूँ इन दोनों की फाइट होने वाली थी, जाके छुड़ाया। वो CCTV में आपको आज नहीं तो कल प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी डैमेज इतना कोई ज़्यादा लेवल का नहीं हुआ, बहुत ही हल्का हुआ। वो उसको दांत हल्का सा एक कान के कॉर्नर पर छोटा सा ऐसा कट लग गया है, तो उससे थोड़ा ब्लड आया बस। ये था आज का अपडेट फ्रेंड्स, मिलते हैं शाम को न्यू वीडियो के साथ।